किसी भी हालत में ठेका नहीं दिया जाए। जो भी ठेका लेंगे वो सब असामाजिक तत्व होते हैं, वो उनकी मानसिकता अलग होती है। यहाँ महिलाएं आती जाती है व्यापार में सब। ये विश्वास का न्योता है, आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के और हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुभाष जी खंडेलवाल, कमल जी गंगवाल, नरेंद्र जी छाबड़ा हमारे कचहरी रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष, और हमारे जेके शर्मा जी कचहरी रोड व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, और मैं भी चूंकि कचहरी रोड और पृथ्वीराज व्यापार संघ से जुड़ा हुआ हूँ। हम सब लोगों ने जिस प्रकार से अजमेर नगर परिषद इस जो ये एलिवेटेड रोड के नीचे हम खड़े हैं, इस स्थान को पार्किंग पर देने की कवायद नगर निगम में चल रही है। हमने ये उनसे निवेदन करा कि चूंकि पहले ही ये एलिवेटेड रोड बनने से इन सब व्यापारियों का रोजगार आधा घटकर आधा रह गया है, और ऐसी स्थिति के अंदर भी अगर इसको भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए पार्किंग पर दे दिया गया तो जो दुकानदारों के सामान लेने के लिए कस्टमर आते हैं और खुद दुकानदारों के जो वाहन यहाँ खड़े होते हैं वो वाहन दुकानदारों की दुकान के सामने खड़े होंगे, जबकि नियम है कि 3 फीट से ज़्यादा दुकान के सामने वाहन खड़े नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पार्किंग पर दे दी तो वो वाहन जाएंगे कहाँ? निश्चित रूप से वो दुकान के सामने 3 फीट की जगह 8 या 9 फीट तक का घेरा होगा। इस अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ेगी, रोज रोज आपसी विवाद होंगे। इसलिए हमने माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देकर ये निवेदन किया है कि इस कवायद को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। दूसरी तरफ जहाँ अजमेर का ट्रैफिक विभाग किसी भी दुकानदार के बाहर कोई उनको गाड़ी खड़ी हुई दिखती है, अभी आज हालत ये है बिना पार्किंग पे दिए, आज की घटना अभी पार्किंग पे नहीं दिया है, अभी अभी 6 गाड़ियाँ उठाकर ट्रैफिक विभाग के लोग कस्टमरों की ले गए, लोगों की ले गई। अगर ये स्थिति बनी रही तो ये पार्किंग पे देने के बाद बहुत बुरी स्थिति बनेगी। और वास्तव में वैसे भी देखा जाए तो सार्वजनिक आवागमन के किसी भी मार्ग को कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता, इस विषय में हमने विरोध किया, ज्ञापन दिया है। पूरे व्यापारिक संघ उसका विरोध करता है, किसी भी हालत में ठेका नहीं दिया जाए। जो भी ठेका लेंगे वो सब असामाजिक तत्व होते हैं, वो उनकी मानसिकता अलग होती है। यहाँ महिलाएं आती जाती है व्यापार में, सब जगह व्यापारी आते जाते हैं, उनसे छेड़छाड़ का उनके ऊपर आरोप लगता रहेगा। और जो व्यापारी अपनी दुकान के बाहर उसका ग्राहक गाड़ी खड़ के 2 मिनट के लिए आया भी तो फट वो रसीद लेके उसके ऊपर आ जाएंगे, उससे विवाद बढ़ेगा, आपस में झगड़ा बढ़ेगा, यहाँ तक कि वो ऐसे लोग हैं कि मर्डर भी कर सकते हैं व्यापारी का। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, नगर निगम से निवेदन है, कृपया किसी भी हालत में एलिवेटर के नीचे पार्किंग की ठेका नहीं दी जाए। सुभाष खंडेलवाल। पार्किंग का ठेका तो सभी लोग लेते हैं, परंतु जो उनके कर्मचारी होते हैं वो इतने शिक्षित नहीं होते। हर पार्किंग, हर दुकानदार परेशान होगा, राजगढ़ की जनता परेशान होगी। इस पार्किंग के ठेके के बाद दोनों तरफ 12-12, 15-15 फीट से ज़्यादा कोई रोड नहीं बचती, एलिवेटेड रोड।